नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं आप सब लोगों से एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा, और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब हमारे खास मेहमान डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, वरिष्ठ राजनेता और अनेकों सामाजिक संस्थाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री नरेंद्र नाथ शर्मा जी, वर्तमान में आप बतौर डायरेक्टर हैं जाइट कॉन्वेंट स्कूल जीन। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी को विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार ने वर्तमान समय में डॉक्टर नरेंद्र नाथ शर्मा जी को भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया है, और ये जीन के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आपको ढेरों शुभकामनाएं रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार की तरफ से। डॉक्टर साहब, आप अपने आप में एक कैसी शख्सियत हैं, प्रेरणादायक कैसा व्यक्तित्व हैं। आपकी जो यात्रा है, जो शिक्षा के क्षेत्र से चलते हुए और राजनीति के क्षेत्र में अनेकों आपको जिम्मेवारियां पार्टी की तरफ से दी गई है, उस यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जी मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। जी, शिक्षा के क्षेत्र में 1976 से मैंने अपना जीवन शुरू किया। जी, एसडी स्कूल में अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में मैं एसडी स्कूल ज्वाइन किया था। जी जी, उसके बाद नंद किशोर गुप्ता जी के मार्गदर्शन में जी मैंने इतना काम सीखा जी कि मेरी वैश्य हाई स्कूल रोहतक में एज ए प्रिंसिपल सिलेक्शन हुई। जी, गोपाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी की मैनेजमेंट ने मुझे नियुक्त किया जी एज ए प्रिंसिपल। जी जी, 1986 में अपॉइंट हुआ। जी, मैं बड़ा अपने आप को प्राइड के साथ कह रहा हूँ कि भी 28-29 वर्ष की आयु में जी एक प्रिंसिपल होना जी मींस समथिंग। जी, तो मैंने एसडी स्कूल से एडिड पोस्ट छोड़कर, गवर्नमेंट की जॉब छोड़कर एक तरह से जी मैंने गोपाल स्कूल एक प्रण किया कि गोपाल स्कूल पे एक कुछ बनाना है। जी, तो जीन के लोगों का सहयोग मिला, मुझे एक अच्छी टीम मिली जी, मैनेजमेंट का सहयोग मिला, तो जीन का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल बन गया था गोपाल स्कूल। जी, निश्चित तौर पे। उसके बाद महर्षि महेश योगी जी की, पूरे इंडिया में 640 स्कूल हैं जी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि हमारा जींद का महर्षि विद्या मंदिर संभालिए। जी, काम सीखना था जी प्लस वन टू का। जी, ये प्लस वन टू में है क्या। जी, तो मैंने वो 94 में ज्वाइन किया। जी, 94 में हमारे ग्रीस जी वर्मा चेयरमैन थे, उनके मार्गदर्शन में गोपाल स्कूल के बाद महर्षि विद्या मंदिर में भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या बात, लगभग 1800 विद्यार्थी किए जी, सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर बनाए। क्या बात है, 2000 में मन में विचार आया अभी अपना ही विद्यालय बनाया गया। क्या बात है जी, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के सामने अपना विद्यालय बनाया जी, और रेंटेड बिल्डिंग में शुरू किया जी। उसके बाद मैंने बीवीपुर में मेरी मदर के नाम से, मेरी माता जी के नाम से केडीएम विद्या निकेतन बनाया जी। तो यहाँ एक दिन अनिल जी भाई साहब जी, बंसल जी, हम इकट्ठे पढ़े हुए हैं। अच्छे जी, पढ़े हुए हैं, क्लास फेलो रहे हैं। हाँ, मैं इनसे दो क्लास आगे होता। अच्छे जी, इनसे स्कूल के बारे में चर्चा हुई कि जो सरप्लस हमारी बिल्डिंग है उसमें स्कूल खोला जाए। जी जी, बस हमने आज से 5 साल पहले स्कूल स्टार्ट जी, और अब स्कूल में 1700-1800 विद्यार्थी हैं जी विद इन 5 ईयर, जिसमें कोरोना के टाइम में भी जी हम प्लस में रहे हैं। क्या बात, हम मीन्स जाइट जी, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बड़ा होता है व्यक्ति जी, निश्चित तौर पे व्यक्ति से इंस्टीट्यूशन और बड़ी रहती है जी, व्यक्ति विशेष से जी। तो अब मैं, अनिल जी जी, आशू बेटा प्रिंसिपल जी, और सारा परिवार जी, जींद एजुकेशन जो ट्रस्ट है हमारी जी, सारा परिवार लग के स्कूल आज जींद में टॉप पे। निश्चित तौर पे, मेरी ये जो 45-46 की शिक्षा के क्षेत्र में जो यात्रा है ना भाई जी, इसमें सोशल काम बहुत किया है जी। मैं संस्कार भारती का 25 साल तक 25 ईयर संगठन मंत्री रहा हूँ
डिस्ट्रिक्ट जी, जिला स्तर का मैं संगठन मंत्री रहा हूँ जी, प्रांत के कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ जी, उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच में बहुत काम किया जी, इतिहास संकलन समिति में किया। क्या बात है, स्वदेशी जागरण मंच का तो मैं अध्यक्ष होता था जींद का जी, और हिंदू शिक्षा समिति का जो हमारा गोपाल विद्या मंदिर स्कूल है जी, विद्या भारती का जो स्कूल जी, उसमें बहुत काम किया जी, ए ग्रेड के हम प्रिंसिपल थे जी हरियाणा में जी। मैंने राम ज्योति पे बहुत काम किया। ये राम ज्योति क्या चीज है, दर्शकों को पता लगे सर? राम ज्योति भगवान श्री राम का जो मंदिर बनना था उस जी, समय जी, तो वहां से एक राम की, भगवान श्री राम की ज्योत आई थी जी, उस ज्योत को लेके एक रथ में बैठकर जी मैंने पुराना पूरा पूरा जुलाना खंड किया। क्या बात है, क्या बात है। स्कूल टाइम के बाद हम 2 बजे के बाद निकलते थे, मेरी टीम निकलती थी जी, जुलाना के हर गांव में हम राम ज्योति लेके चले हैं, लोगों ने उसकी पूजा की है, अर्चना की है जी, और हमें आशीष दिया है कि राम मंदिर एक दिन बनेगा जी। उसके बाद शिला पूजन जी, अयोध्या से शिलाएं आई थी जी, वो भी मैंने गांव जुलाना खंड पूरा किया, घर घर गए हैं हम, गली गली गए हैं, मोहल्ले मोहल्ले गए हैं जी। तो वो जो शिला थी वो हमने अयोध्या भेजनी थी, अयोध्या में जी, तो उनका पूजन हुआ जी। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, भगवान श्री राम का भी मैंने काम किया। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पर आपका योगदान महत्वपूर्ण है जी। अब जींद के अंदर जितने भी डॉक्टर्स हैं जी, लीडिंग डॉक्टर जी, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। क्या बात है। आप डॉक्टर सुशील मंगला को ले लीजिए, डॉक्टर मनोज गर्ग को ले लीजिए, मीनाक्षी जैन, मीनाक्षी हॉस्पिटल के अनिल जी को ले लीजिए जी, प्रियदर्शी जी को ले लीजिए, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट जी जी जी, सैकड़ों डॉक्टर, नाम गिनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा जी। सिविल हॉस्पिटल में भी आजकल जितने भी 3-4 डिप्टी CMO हैं जी, सभी मेरे स्टूडेंट्स। क्या बात है, क्या बात है, गर्व का विषय है आपके लिए सर। ये तो बच्चों की मेहनत, डॉक्टर पंचाल हैं जी, गणेश जी जी, डॉक्टर राजेश बोला हैं जी, चंद्र मोहन है जी, दीज ऑल आर माई स्टूडेंट्स। क्या बात है। और IAS IPS भी सैकड़ों स्टूडेंट। क्या बात, वो सभी गोपाल स्कूल, SD स्कूल, मेरिसी स्कूलों की देन है। क्या बात। और अब मैं जाइट स्कूल में एज ए डायरेक्टर जो काम कर रहा हूँ, मेयर अनिल जी स्कूल चला रहे हैं जी, यहाँ से भी मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनाने शुरू कर दिया। क्या बात है। वो अपने अनुभव का फायदा जींद की जनता को मिलने लग रहा है। हाँ, उसके पीछे कारण ये, अब मेरे पास जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं ना, उनके बच्चे पढ़ने आ गए। क्या बात। तीसरी पीढ़ी आ गई है। क्या बात। तो वो पेरेंट्स सोचते हैं, देखते हैं, उनने खुद देखा है कि मेरा टीचिंग मेथड, क्राइटेरिया, हाउ टू डेवलप द चाइल्ड जी, क्योंकि वो खुद डेवलप हुए मेरे पास, तो उन्होंने अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दिया जी, और आज हम बहुत अच्छी स्थिति हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपकी लंबी जो यात्रा रही है, शिक्षाविद के तौर पर, सामाजिक दायित्वों के तौर पर, और राजनीति के क्षेत्र में भी आपका जिन में नाम है, पार्टी संगठन में इंडियन नेशनल लोकदल की एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपको दी हुई है, उसके अलावा डॉक्टर साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से आपने जाइट कॉन्वेंट स्कूल खोला है, क्या किसी प्रकार से आपको नहीं लगता कोई जरूरतमंद बच्चा जो वास्तव में नीडी है और किसी अभाव की स्थिति में शिक्षा से वंचित न रह पाए, उस दिशा में भी काम करने का विचार किया है डॉक्टर साहब आपने? बिल्कुल। जहां जहां राजनीतिक क्षेत्र की बात है, मैं सफेदो हल्के का प्रभारी हूँ INLD में जी, INLO में जी, और अभी भाई साहब ने मुझे राज्य की कार्यकारिणी में भी रखा हुआ है जी। तो इस समय अभी भाई साहब के मार्गदर्शन में जी, बड़ी अगले चुनाव में सरकार भी बनने जा रही है। ये आप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। यस, कॉन्फिडेंस विद को, क्योंकि और शिक्षाविद है, भविष्य, बच्चे का भविष्य देख के बता सकते हैं कि बच्चा कहां तक की यात्रा करेगा, और आपने राजनीतिक क्षेत्र की भी एक भविष्यवाणी कर दी हमारे चैनल के माध्यम से। वो इसलिए कर दी ना जी, अभी भाई साहब भी मेरे से छोटे हैं जी, वो HAU हिसार के स्टूडेंट भी रहे हैं जी, तो जब हम बच्चों का बता सकते हैं मेरे भविष्य में क्या बनने वाला है जी, तो अभी भाई साहब को बता सकते हैं कि भाई वो किस दिशा में जा रहे हैं, एक दिन सरकार बनाएंगे, और बहुत नजदीक 24-25 में सरकार बनेगी। क्या बात है। क्या? अब आपका दूसरा प्रश्न रहा जी कि भाई जो गरीब विद्यार्थी हैं जी, किसी कारण से जी वो फीस नहीं दे पा रहे जी,
मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जी डॉक्टर साहब। एक व्यक्ति मेरे यहाँ रिसेप्शन पे जी 3 दिन तक बैठा रहा जी, 3 दिन तक जी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई आप 3 दिन से हैं, बताओ कैसे आ रहे हो जी। बोले जी मैंने अपने बच्चों को, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों का एडमिशन यहाँ करवाना है आपके पास जाइट कॉन्वेंट स्कूल जी जी जी। तो मैंने कहा फिर बताओ जी क्या सहायता कर सकता हूँ जी। उसके साथ जो व्यक्ति आया था जिसके बच्चे पहले से पढ़ रहे थे जी, कहने लगे जी ये जो व्यक्ति है पटियाला चौक पर पापड़ बेचता है। आह क्या बात है, बड़ी मार्मिक विषय। और ये मुश्किल से 100 पापड़ बेच पाता है, 5 रुपए का एक, 15 के 3 जी, ऐसे जी। इसकी इनकम नहीं है, पढ़ाना इसने यहाँ है बच्चों, उसने एक अपना विजन बना रखे है, सपना सोच रखे है जाइट कॉन्वेंट से हाँ, बच्चों को पढ़ाऊं। हाँ, बच्चा उसका एक थर्ड में, एक सिक्स्थ में जी। तो मैंने कहा आप बच्चों को लाओ जी, मैं देखता हूँ जी। नेक्स्ट डे आए जी, बच्चे इंटेलिजेंट थे, पढ़ना चाहते थे जी। मैंने कहा चलो आप, मैं अडॉप्ट करता हूँ इन बच्चों को। क्या बात है डॉक्टर, इनकी फीस मैं दूंगा। डॉक्टर कमाल, वास्तव में प्रेरणादायक। वो फिर कहने लगे बोले नहीं फ्री में नहीं पढ़ाएंगे हम जी। मैं फ्री नहीं कह रहा, मैं दूंगा फीस, बोला जितनी मेरे से बनती है मैं उतनी फीस दूंगा जी, पापड़ बेच के जी। तो प्रभु, मैंने फिर उससे कहा भी 1 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक जितनी आपसे फीस बनती हो दे दो। क्या बात, क्या बात, आपने 1 रुपया दिया तो ना नहीं कहूंगा, 1,00,000 दिया तो भी ना नहीं कहूंगा जी। आप अपना मन बनाओ। वो नेक्स्ट डे बच्चों को लेके आए। क्या बात, और उसके आज बच्चे पोजीशन भी ले रहे हैं। बहुत उम्दा सर, आपने ऐसे बच्चों को, आप उनके पेरेंट्स से मिल भी सकते हैं निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर सर, आप कितनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, और वास्तव में इस प्रकार की संस्थाएं जो वास्तव में जरूरतमंद बच्चे हैं, इस प्रकार के बच्चों की मदद जब आप जैसे शिक्षाविद बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रह सकता। डॉक्टर साहब, जिस विजन को लेकर आपने जाइट कॉन्वेंट स्कूल बनाया है, उस विजन का कितना आपने अचीव कर लिया है, और आगे और क्या विचार है जाइट कॉन्वेंट स्कूल के बारे में? जाइट कॉन्वेंट स्कूल अब पीछे हटने वाला नहीं है। मेरे पास मेरे टीचर्स की लगभग 60 टीचर्स की एक ऐसी टीम बन गई है जी, फैंटास्टिक, किसी के पास ऐसी टीम नहीं मिलेगी। दिन रात एक करते हैं बच्चों के लिए जी। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर ले जाने का स्वप्न पाले हुए हैं हमारे टीचर्स जी, और निश्चित रूप से जीन का सबसे बेस्ट स्कूल होगा ये जी, और वो दिन दूर नहीं है जी। मैं बड़ा दावा करता हूँ आपके सामने जी, विद इन 4 or 5 years 5,000+ बच्चे होंगे यहाँ। क्या बात है, विद इन 5 years बहुत बड़ी बात। मेरा एक ही एम है कि 5,000 बच्चे मैंने करने हैं। निश्चित तौर पर आपका जो अनुभव है उससे आप कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल भाई साहब से मेरी बात हुई, बोलो वैसे आप 10,000 स्टूडेंट कर लो, आपको क्या प्रॉब्लम है। क्या बात है, लेकिन हम विद इन 5 ईयर टच करेंगे अपना गोल जी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ा एक विजन आप लेके चले हैं, और निश्चित तौर पर उस विजन को आप दिन रात मेहनत करके उसको अचीव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज शिक्षाविद आप रहे हैं, एक ट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, क्या स्कूल उस ट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है कि स्कूल में ही इतना पढ़ा दिया जाए कि घर पर बच्चों को उनका खेलने का समय मिल पाए और वो ट्यूशन की मार से बच पाए? एक्चुअल में अभिभावकों ने ना जी बच्चों का बचपन छीन लिया। क्या बात है डॉक्टर, घर वो 3 बजे पहुंचते हैं, खाना बाद में देते हैं, पहले कहते हैं ट्यूशन का टाइम हो गया, तैयार हो जी। भाई स्कूल में सभी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स हैं जी, उनका होमवर्क आप लोग पेरेंट्स कराएं बैठ के जी। ट्यूशन पे मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ जी, मेरे पास 10 स्कूलों के 2-2, 3-3 बच्चे आते हैं जी, सबका अलग अलग सिलेबस है, बुक्स है, और अलग अलग सब्जेक्ट टीचर हैं स्कूल में, बहुत हाई लेवल के रखे हुए हैं, तो वो एक व्यक्ति सभी सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देगा? असंभव चीज, 3-3 घंटे 2-2 घंटे वो बैठे रहते हैं जी बच्चे, उन बच्चों से ना तो ट्यूशन का काम होता है ना स्कूल का होता है, जी। और आज स्थिति ये है कि बच्चा
अपना ध्यान नहीं लगा पाता जी। स्कूल में ध्यान रहेगा, ट्यूशन की तरफ भी, ये तो टॉपिक्स ट्यूशन पे करेंगे जी, ट्यूशन पे कहेगा मैं स्कूल में करूंगा, तो नाव में पांव रखा हुआ है जी, तो मैं नहीं मानता उसके लंबे समय में अच्छे रिजल्ट पेरेंट्स को मिलेंगे जी। डॉक्टर साहब, जैसे संस्कारों की बात करें, क्योंकि कोई भी फसल है उसकी शुरुआत में यदि देखभाल कर ले तो बहुत अच्छी पैदावार वो देती है, तो वही उसी प्रकार से आपका एक स्कूल एक तरीके से फसल है, आपके बच्चों के समाज की वो फसल है। आप संस्कारों के तरीके से किस प्रकार बांध पा रहे हैं उन बच्चों को, ताकि वो भविष्य में देश में समाज को एक नई दिशा और दे पाए। देखिए, टीचर एक होता है जी, क्लासरूम वही होता है जी, बुक्स वही होती हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट वही होता है जी। उनमें से कुछ बच्चे 100% टॉप पे जाते हैं जी, कुछ बच्चे फेल भी होते हैं जी, कुछ बड़े संस्कारित बनते हैं जी, कुछ उदंड टाइप के होते हैं जी। ये सारा डिपेंड करता है कि पेरेंट्स की बैकग्राउंड क्या है जी। जितने भी स्कूल खुले हैं, कोई भी स्कूल ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे में संस्कार ना आए, निश्चित हो जींद में कम से कम डिस्ट्रिक्ट जींद में हमारे प्राइवेट स्कूल 300-400 होंगे जी। उन प्राइवेट स्कूल का मैं संरक्षक भी हूँ। अच्छे जी, क्या बात है। तो हर पेरेंट्स चाहता है जी कि मेरा बच्चा संस्कारित हो, हर स्कूल चाहता है मेरे बच्चे अच्छे हों जी, कोशिश करते हैं, टीचर लगे रहते हैं जी, लेकिन डिपेंड करता है घर का एनवायरनमेंट कैसा है जी। अगर आपका एनवायरनमेंट संस्कारित है जी, बच्चे संस्कारित बनेंगे। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है कि बस जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता जी, तो बच्चे ने तो हमारे पास 5.5-6 घंटे रहना है जी, बाकी 18 घंटे तो घर में रहेगा ना जी। तो पेरेंट्स कैसे संस्कार देते हैं जी, माली के रूप में हमारे टीचर लगे रहते हैं जी, लेकिन अन्य बातें समान रहे तभी तो प्रोग्रेस होगी ना जी। जी अन्य बातों में उनका घर पे स्टडी रूम कैसा है, उसको पढ़ने देते हैं नहीं करते हैं, काम में लगाए रखते हैं जी, या बाहर घूमता रहे उसे पूछते नहीं है जी। तो ये बड़ा डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपको भारत गौरव सम्मान दिया है बिहार के विश्वविद्यालय ने, तो उसके बारे में बताइए सर, वो किस प्रकार की उपलब्धि है और जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश ही जिन जिला भी गौरवान्वित है और शिक्षाविद भी गौरवान्वित है जब इस प्रकार से एक उपलब्धि मिलती है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर बिहार में जी, तो उन तक उस यूनिवर्सिटी तक मेरे 45-46 साल की अचीवमेंट्स पहुंची जी। आप लोगों ने पहुंचाई निश्चित तौर पे मीडिया यस, तो उनके वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर से मेरी बात हुई जी, क्या आप अपने अचीवमेंट्स भेजें जी, तो रिकॉर्ड तो हमारे पास होते हैं जी। जींद का कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर नहीं था कि जिसने मुझे सम्मानित ना किया हो जी। एजुकेशन मिनिस्टर थी हमारी सुषमा स्वराज जी, जी उनके तो मैं साथ ही रहता था जी जी, उन्होंने सम्मानित किया जी। तो अनेकों सामाजिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया जी, अनेकों ढेर लगा पड़ा सर्टिफिकेट जी, तो उनने मुझे मान सम्मान दिया जी। मैंने उनके पास अपना जो भी उन्हें रिक्वायर्ड था उनके लिए वो भेज दिया जी, तो भारत गौरव का सम्मान उन्होंने दिया जी जी। तो मैं यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, तीनों चारों व्यक्तियों का जो एक महान व्यक्तित्व है बिहार के, एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं जी, उन्होंने एक जींद एक कस्बे टाइप है, कोई शहर नहीं कह सकते हम जी, वहां से एक मुझे चुन लिया जी भारत गौरव के जी। तो मैं उस लाइक तो नहीं था, लेकिन मैं धन्यवाद दिया उनका, उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मान दिया। आप योग्य थे तभी वो लक्ष्य प्राप्त हो पाया। डॉक्टर साहब, हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी एक महिला का हाथ होता है, आपकी इस जीवन यात्रा की सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं उन सब मातृशक्ति को देना चाहूंगा, सभी मातृशक्ति को जी,
जिन्होंने मुझे पर विश्वास करके अपने बच्चों को यहाँ भेजा। क्या बात जी। हम लोग जो जेंट्स हैं जी, आवश्यकताएं तो पूरी कर सकते हैं जी, घर में क्या चाहिए, कितना खर्च है, कैसे जी। लेकिन किसी भी परिवार को उच्च टॉप पे अगर लेके जाएंगे तो महिलाएं लेके जाएंगी जी। घर का वातावरण महिला के रूप में होता है जी, चाहे महिला माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में जी। सबकी शुभकामनाएं जी, चाहे वो पति के रूप में, चाहे बेटे के रूप में, चाहे भाई के रूप में जी, वो निश्चित रूप से मिलती हैं। निश्चित रूप, निश्चित रूप से मिलती हैं। तो मैं अपने जीवन इस यात्रा में जी, विशेष रूप से जो मेरे विद्यार्थी हैं जी, उनकी जो माताएं हैं जी, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया जी, कि हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है, तो NN शर्मा के हाथ में है। क्या बात, डॉक्टर NN शर्मा के जी जी। तो पूरा जीवन लगा दिया, सुबह 8:30 स्कूल में आते हैं जी, 5-6 बज जाते हैं यहाँ पर, और दृढ़ निश्चय रहता है कि बच्चे इतना मजबूत उनका फाउंडेशन हो जाए जी, कि डॉक्टर इंजीनियर बने वो जी, और उसके अलावा एक संस्कारित नागरिक बने जी, ये स्वप्न जी। आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब जिस जिले में, जिस कस्बे में, जिस प्रदेश में इस प्रकार के शिक्षाविद निरंतर चिंतन मनन करते हैं उस क्षेत्र के उत्थान के लिए, और उत्थान का एक ही तरीका है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने उस समाज के बच्चों को आप आगे बढ़ा दीजिए, तो देश और समाज को नई दशा और दिशा मिल पाएगी। देखते हैं रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्स से मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।